हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ईलॉग एकेडमी। आज हम करने जा रहे हैं ग्रुप थ्योरी के क्वेश्चन जो डीयू एमएससी 2016 में पूछे गए हैं। तो ग्रुप थ्योरी से तो बेसिकली एक ही क्वेश्चन पूछा गया है, और जो दूसरा क्वेश्चन है वो है हमारा नंबर थ्योरी से। तो चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन है और उनका क्या सोल्यूशन आता है। सो लेट जी बी द ग्रुप ऑफ ऑल 2x2 मैट्रिसेस ए बी सी डी अंडर मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन। ए जी हमें दे रखा है सेट ऑफ ऑल मैट्रिसेस, इस टाइप के मैट्रिसेस हैं ए बी सी डी मतलब 2x2 की, सच दैट ए डी माइनस बी सी नॉट इक्वल टू 0 एंड ए बी सी डी बिलोंग्स टू इंटीजर मॉडुलो 3। अब इंटीजर मॉडुलो 3 का मतलब उसमें वैल्यूज क्या आ सकती हैं, 1, 2, 1, 0, 1 एंड टू, है ना। ए बी सी डी ये तीनों वैल्यूज ले सकता है। तो हम इसे क्या कह सकते हैं, ए बी सी डी हमारे कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, ए बी सी डी बिलोंग्स टू जेड थ्री, ठीक है। और देखिए हमें ऑर्डर ऑफ जी पूछा है, ऑर्डर ऑफ जी। अब ये देखिए ये क्या दे रखा है, ए डी माइनस बी सी मतलब हमें डिटर्मिनेंट इसका नॉन जीरो दे रखा है, और ऐसे ग्रुप को हम बोलते हैं जी एल एन, ठीक है। ये एफ क्या हो गया, जिस फील्ड से ये एलिमेंट्स बिलोंग कर रहे हैं। एन हो गया हमारा ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, तो ऑर्डर हमें दे रखा है 2, और एफ एफ की कार्डिनल एफ का क्या होगा, Z3। तो इसका फॉर्मूला होता है ऑर्डर ऑफ जी एल एन एफ, जो फील्ड का होगा, फील्ड क्या होगा, प्राइम टू द पावर समथिंग होगा, तो वो हो जाएगा हमारा पी, ये ध्यान रखना। तो ये हो जाएगा पी टू द पावर एन, एन ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स माइनस 1, पी टू द पावर एन माइनस पी इंटू पी टू द पावर एन माइनस पी स्क्वायर एंड अप टू पी टू द पावर एन माइनस पी टू द पावर एन माइनस 1। तो हम रख देंगे इसमें ऑर्डर, हमें किसका फाइंड आउट करना है, ऑर्डर ऑफ जी एल टू एफ, एफ की जगह जेड 3, है ना। तो पी हो जाएगा हमारा 3, और 3 स्क्वायर एन क्या है 2, 3 स्क्वायर माइनस 1 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 3 नेक्स्ट करेंगे तो वो यही हो जाएगा। ये हो गया 9 माइनस 1 दैट इज 8 एंड दिस इज 9 माइनस 3 दैट इज 6। तो ये हो गया 8 × 6 = 48। तो हमारा आंसर क्या आया, ऑप्शन सी 48। क्वेश्चन है द लास्ट टू डिजिट्स ऑफ द नंबर 9 to the power 9, 9 to the power 9, 2 to the power 9। लास्ट टू डिजिट पूछा है मतलब मॉड 100 करेंगे तो जो इसका रिमाइंडर आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा आंसर, कि लास्ट टू डिजिट नंबर क्या होगा। अब वी नो दैट 9 को हम कैसे लिख सकते हैं, 9 = -1 mod 10 लिख सकते हैं, ठीक है। 9 में अगर हम इधर ये चला जाएगा तो +1, तो 10 = 0 mod 10 आ जाएगा, ठीक है, वो आ जाएगा। अब हम बोथ साइड क्या कर दें, 9 की पावर कर दें, तो 9 power 9 = -1 to the power 9 mod 10 which is equals to -1 mod, तो 9 power 9 का क्या आ गया, -1। अब इसकी जगह हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, 9 लिख सकते हैं, है ना। तो 9 power 9 = मतलब a = b mod 10, बी मॉड एन होता है, तो b = b, तो क्या a मॉड एन होता है ना। तो ये हो जाएगा हमारा 9 to the, अगर हम इस वाले को यूज करें, ये हो जाएगा 9 to the power 9 = 9 mod 10।
मतलब क्या हुआ, जो हम 9 to the power 9 को 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर क्या बचेगा, 9, है ना। तो अगर हम इसमें से 9 माइनस कर देंगे तो ये फुली डिवाइड हो जाएगा 10 से, तो 10 to the power समथिंग की फॉर्म में होगा ये, तभी उससे वो फुली डिवाइड हो रहा है। तो 9 raised to power 9 minus 9 को हम लिख सकते हैं 10 raised to power k, और k कोई भी हमारे पास क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर होगा, क्योंकि ये जो पूरा नंबर है ये पॉजिटिव होगा, इसलिए जो ये k की वैल्यू होगी ये भी हमारे पास कोई पॉजिटिव इंटीजर होगी। यहाँ से 9 to the power 9 क्या हो गया हमारे पास, 10 k plus 9। तो अगर हम ऐसे लिखे 9 to the power 9 to the power 9, इसको इस वाले को रिप्लेस कर दो इससे, ये हो जाएगा 1 9 to the power 10 k plus 9। कैसे लिख सकते हैं इसे, 9 into 9 to the power 10 k, है ना। तो इसका अगर हम मॉड लेंगे विद 100 इज इक्वल टू दिस मॉड 100 हो जाना चाहिए। तो हम क्या देखते हैं, पहले इसका मॉड 100 निकाल लेते हैं, फिर इसका मॉड 100 निकाल लेंगे और फिर देख लेंगे क्या आ जाएगा, ठीक है। तो 9 to, तो ये आप खुद कैलकुलेट कर लेना, 9 to the power 9 आप मल्टीप्लाई करते जाएंगे और मॉड 100 लेंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 89 mod 100, ठीक है। अगर हम 9 to the power 9 को 100 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर आ जाएगा 89। तो अब इसमें अगर हम बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय 9 कर दे तो ये इसकी पावर क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी, 1 प्लस हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगा इंटू 9, 89 into 9 करेंगे तो ये हो जाएगा 1801 mod 100, है ना। तो 801 को डिवाइड करेंगे 100 से तो ये हो जाएगा 1 mod 100, है ना। तो ये अब 9 raised to power 10 1 रिमाइंडर दे रहा है, तो इसकी पावर समथिंग अगर हम ये भी कर देंगे तो वो भी 1 ही रिमाइंडर देगा हमारे पास, तो ये हो जाएगा 999 mod 100 इक्वल्स टू दिस होल मॉड 100। तो ये तो इसका तो 89 mod 100 है और इसका 1 mod 100, तो वो मल्टीप्लाई होकर हमारे पास क्या आएगा, सिर्फ 89 mod 100 है ना। तो लास्ट जो भी मॉड 100 करने के बाद ये आना था, है ना, रिमाइंडर आना था, वही हमारा क्या था, लास्ट 2 डिजिट्स। तो बी इज अ करेक्ट ऑप्शन, दैट इज 89।